अस्सलामु अलैकुम। खावर खान टीवी में खावर खान का सलाम और सब दोस्तों, ये भी आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ शहजाद, यूट्यूब क्रिएटर है एक, यूट्यूब पे उसका एक चैनल है विल्ला मुंडा के नाम से। और ये शहजाद जो है ना, मेरे ख्याल में बंदा तो ठीक नहीं है, ये बहुत ही लानती बंदा है। लेकिन अभी जो है ना, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। लेकिन जो ये साथ में भाईजान लाल रंग का जो निशान है ना, सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, इसको दबा दें, और इसके साथ में बेल का आइकन है, इसको भी दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जो है ना पहुंचता रहे। तो यार ये वेला मुंडा पे आजकल बात हो रही है यूट्यूब पे, बहुत यूट्यूब पे छोटे छोटे जितने भी यूट्यूब क्रिएटर है ना, वेला मुंडा के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वो है, ठीक नहीं है बंदा, तो वाकई ही ठीक नहीं है। लेकिन इस पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले जो है ना गया था डेरा गाजी खान में, रस्ते में इसने एक वीडियो बनाई थी डेरा गाजी वालों के खिलाफ, उनको कुछ बातें की कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, डेरा गाजी खान वाले बंदे ठीक नहीं है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। तो इस पे जो है ना, डेरा गाजी खान वालों को हक बनता था इस पे निराज होना। डेरा गाजी खान वालों ने बोल दिया था कि जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो सब अनसब्सक्राइब कर लें। तो डेरा गाजी खान वाले इस पे बहुत गुस्से हो गए थे। लेकिन आज और कुछ दिन पहले भी मेरी भी इससे बात हुई है, और इसने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाली है, जिसमें ये वेला मुंडा शहजाद जो है ना, वीडियो में डेरा गाजी खान वालों से माफ़ी मांग रहा है। तो मेरे ख्याल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि जब कोई बंदा किसी से निराज हो, तो वो अगर बंदा उससे माफ़ी मांग लेता है, तो बेहतर तो यही है कि उसको उस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में भी यही बनता है कि एक बंदा अगर आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। और जब तक मेरा ख्याल है, उस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए। वैसे ये बंदा माफ़ी के लायक नहीं है। कुछ दिन पहले इससे मेरी कुछ यूट्यूब क्रिएटरों के बारे में बात हुई थी, उनकी प्रमोशन के बारे में, लेकिन इस बंदे ने मुझे जो है ना कह दिया था कि फी बंदा 5,000 रुपये दे तो उसकी प्रमोशन की जाएगी, बल्कि और ज़्यादा जो है ना इसने रिक्वेस्टें डाल दी थी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो बात यही मैं करता हूँ कि इस बंदे ने मांग ली है माफ़ी, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई बंदा माफ़ी मांग लेता है, तो उस बंदे को जो है ना माफ़ कर देना चाहिए। तो भी यार इस बात को यूट्यूब पे उछालने से बेहतर ही है कि इस बंदे को माफ़ कर दिया जाए, और डेरा गाजी खान वाले जो इसके सब्सक्राइबर हैं, इस अल्लाह के बंदे को माफ़ कर दें, बाकी अल्लाह पे डाल दें कि वो इसको जो है ना इसकी सज़ा देगा अगर इसने कोई गलत काम किया है। और हम लोगों को चाहिए कि हम इस विल्ला मुंडा को जो है ना ज़रूर माफ़ कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। और एक मिनट यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल का आइकन है इसको ज़रूर दबा दें। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।